जय हिंद। नमस्कार। ORP 3 पर रक्षा मंत्री को पत्र। 1 जुलाई 2024 से होगी लागू। डिफेंस बच्चों के लिए अफसर से बनने का सुनहरा मौका। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी में अब 5 लाख की हुई बढ़ोतरी। ज्यादा वेतन देने पर कर्मचारी की नहीं हो सकती रिकवरी। उच्च न्यायालय का आदेश। तो चारों अपडेट पर बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन उनकी घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ORP 3 ड्यू वेफ 1 जुलाई 2024। काइंड अटेंशन डियर नितिन चंद्रा, IAS सेक्रेटरी ESW को इन्होंने पत्र लिखा है। पत्र लिखने वाले हैं इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज, जो कि रिटायर्ड हैं और प्री सर्विसेज एक्स सर्विसमैन के द्वारा ये लिखा गया। दोस्त, इसके अंदर यह बताया गया है कि ORP 3 को ड्यू डेट में यानी कि 1 जुलाई 2024 को लागू कर दिया जाए और अब इसके 2 महीने बचे हैं तो इसकी घोषणा भी तुरंत की जाए, जिसमें उन्होंने सारे विवरण दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर लेटर नंबर आपके सामने है, डेटेड 7 नवंबर 2015 के आधार पर। पैरा 3 में बताया गया है कि इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 ईयर, अर्थात प्रत्येक 5 साल में इसका रिविजन हो, यह बताया गया है। और कोर्ट के आदेश के अनुसार ORP 3 उसको सही टाइम में लागू किया जाए। ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं और उसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन कैसा होगा, उसके बाद उसमें मेथड ऑफ ब्लैंक डाटा कैसे किया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पर विवरण दिया गया है। और इसमें लास्ट में उन्होंने लिखा कि इन व्यू ऑफ द अबव, वी द ट्री सर्विसेज एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स रिक्वेस्टेड यूर गुड ऑफिस टू इंश्योर दैट द टेबल्स आर प्रिपेयर्ड बाई CGDA वेल इन एडवांस टाइम एज 2 मंथ्स आर विल लेफ्ट फॉर ORP 3। यानी कि 2 महीने इसमें शेष रह गए हैं ORP 3 लागू होने के लिए, इसलिए इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए ताकि यह 1 जुलाई 2024 से इसको लागू कर दिया जाए। कॉपी 2 में इन्होंने आप देख पा रहे होंगे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी को किया है और श्री गिरिधर अरमा ने IAS डिफेंस सेक्रेटरी को किया है और ब्रिगेडियर विकास भारद्वाज जो की ब्रिग DIAV के हैं, इनको इन्होंने कॉपी 2 किया है। दोस्तों, उम्मीद की जा सकती है कि ORP 3 जल्दी से लागू हो जाएगी, यानी कि ड्यू समय में इसका होना जरूरी है। लेकिन क्या इसको लागू होने से पहले जो ORP 2 में विसंगतियां थी जिसका अभी तक निवारण नहीं हुआ, तो इस स्थिति में ORP 3 में क्या सभी को लाभ मिलेगा, ये तो मुश्किल है दोस्तों। कि लाभ जब तक इसकी विसंगतियां दूर नहीं होंगी, ORP 3 में भी लाभ मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले यह जरूरी था कि इसकी जो विसंगतियां हैं वो दूर की जा सके। अगली अपडेट में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लेटर देख पा रहे हैं, 20/4/2024 का लेटर है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, ऑफिस ऑर्डर है। सब्जेक्ट में दिया है इनहेंसमेंट ऑफ ग्रेजुएटी ऑन अकाउंट ऑफ डियरनेस अलाउंस राइजिंग बाय 50%, अर्थात जब 50% DA या DR आपका हो जाता है तो उस कंडीशन में कुछ अलाउंसेज 25% आपके बढ़ जाते हैं। उसी रिगार्ड में रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें बताया गया कि DA DR 50% होने के बाद 25% आपके रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी में बढ़ा दिया गया। दोस्तों, सेकंड पैरा में उन्होंने बताया कि जो आपकी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी थी वह अब 25% इंक्रीज होके 20 लाख से उसकी सीमा 25 लाख कर दी गई है, जो कि उसका रिविजन 1/1/2024 से लागू हो गया है, जो कि सब्जेक्ट टू दी अदर कंडीशन मेंशनड इन द DOP एंड PW ऑर्डर मेमोरेंडम डेटेड 4/8/2016 के आधार पर ये आपको लागू कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर आप साइन देख रहे हैं, एडिशनल सेंटर PF कमिश्नर HR के साइन है और कॉपी 2 1-3 तक ये दिया गया। दोस्तों, अगली अपडेट आपके सामने है जो कि आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग 3/2024 का लेटर है, जिसके अंदर एडमिशन नोटिस निकाला गया आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर कैंट के द्वारा निकाला गया। ऐसे डिफेंस बच्चों के लिए जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए ये नोटिस निकाला गया है जो कि आपके सामने दिया है। 30 जून 2024 संडे इसका लास्ट डेट होगा। गुवाहाटी इज शेड्यूल्ड फॉर 30 जून 2024, तो उससे पहले आप इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी इसके लायक हैं या जो इसमें जाना चाहते हैं वो इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए बताया गया है कि नो रिकवरी कैन बी मेड व्हेन पे इज रॉन्गली फिक्स्ड विदाउट एनी मिसरिप्रेजेंटेशन बाय एम्प्लॉय। पटना हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय
पटना ने एक अपने आदेश में फैसला सुनाया है कि यदि कर्मचारी की गलती के बिना विभाग द्वारा उस कर्मचारी को विभाग की गलती से एक्सेस वेतन दे दिया जाता है तो उसकी रिकवरी कर्मचारी से नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा एक फैसला है जो कि सभी कर्मचारी के लिए, जिसको एक्सेस पेमेंट यदि हो जाती है तो उससे अब विभाग रिकवरी नहीं कर सकता। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।